हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको देवांशी पीएलसी में चार्ज की जो सेटिंग होती है, प्लास्टिफिकेशन जिसे बोलते हैं, चार्जिंग कहते हैं, उसकी सेटिंग के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ये हमारा प्लास्टिफिकेशन और चार्जिंग का पेज होता है। सबसे पहले इसमें देखिए क्या क्या होता है। चार्जिंग होता है, प्रेशर होता है, सक बैक और रिफिलिंग, रिफिलिंग टू, रिफिलिंग थ्री, सक बैक, प्रेशर, स्पीड, पोजिशन। जिस हिसाब से हमको प्रेशर देना होगा, स्पीड देना होगा, पोजिशन देना होगा, उसको हम सेट कर देंगे। फिर इसके बाद हो जाता है बैक प्रेशर। बैक प्रेशर देखिए हमने दिया हुआ है 10, 12, 15। और ये जो होता है हमारा पोजीशन, पोजीशन में हम जो है मटेरियल को पोजीशन डालते हैं कि कितने MMF मटेरियल हम इसमें हमको रिफिलिंग करानी है, मतलब या चार्जिंग करानी है, प्लास्टिफिकेशन करानी है। फिर कूलिंग टाइम दे देते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे कूलिंग टाइम क्या होता है, आफ्टर चार्जिंग के बाद जो होती है हमारी कूलिंग टाइम हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। सक बैक फंक्शन जो होता है आफ्टर रिफिलिंग के बाद हो जाता है। बैक प्रेशर फंक्शन का होता है ऑन हो, ठीक है। RPM, चार्जिंग टाइम, ये जो हमारी जो होती है चार्जिंग टाइम, कितने मतलब जो है समय में टाइम में हमारी चार्जिंग हुई है, ये हमारी टोटल चार्जिंग टाइम यहाँ पे आ जाएगा। फिर इंट्रोड्यूस, इसका हम यूज नहीं करते वैसे। ये हमारा हो गया चार्जिंग का पेज और प्लास्टिफिकेशन का पेज। कैसा लगा वीडियो, और अभी किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप हमें कमेंट करिएगा। थैंक यू।